नमस्कार दोस्तों, एनके फर्नीचर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक हाइड्रोलिक बेड, और वो भी शानदार डिज़ाइन के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इस बेड को हम तैयार करने वाले हैं 18 mm प्लाई में, और इसकी जो प्लाई की लेंथ है वो हमने 78 इंची काट रखी है, और चौड़ाई में 14.5 इंची के 6 पट्टे काट लेते हैं। तो हम इसके ऊपर बॉटम रख लेंगे, और बॉटम के ऊपर कीली से इस पट्टे को फिक्स कर लेंगे ताकि अपनी जो पट्टे हैं वो खिसके ना, और कटर मशीन की मदद से हम 6 पट्टे इसमें से काट लेते हैं। दोस्तों, जब तक हम पट्टे काट रहे हैं तो हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। तो लगभग हमारे 3 पट्टे कट चुके हैं, इसी तरीके से हम 3 पट्टे और काट लेते हैं। इन 6 पीस के हम एक एक धार पहले गुनिया में काट लेते हैं, उसके बाद जो अपना नाप आता है उस तरीके से इसको काट लेंगे। तो जैसे कि लेंथ में ये 77.5 इंची आ रहा है, तो हम 77.5 इंची पे निशान लगा कर और गुनिया की मदद से ये 6 पीस काट लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके सही सेंटर पे निशान कर लेते हैं, और 1.25 इंची इधर निशान लगा देंगे, 1.25 इंची इधर लगा देंगे, और यहाँ पे गुनिया से निशान खींच लेते हैं। दोस्तों, जो हमने गुनिया से निशान किए हैं तो इस पे क्या करेंगे, हम 17 नंबर कीली अटका लेते हैं, जिससे जो अपने सेंटर वाले पार्टी हैं उससे टच करके ठोक देंगे। तो हम फेविकोल लगा लेते हैं, और जो अपना बाहर से चारों पार्टियाँ लगते हैं तो इसको हम पहले बॉक्स को बाहर से चारों पार्टियों में ठोक लेते हैं। तो इसको हम 14 नंबर 2 इंची वाली कील में ठोक लेते हैं। और अगर आप इस पलिंग का डिटेल में कितना क्या नाप रखा है इसका वीडियो हमने बना रखा है, अगर आपने इस वह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सकेगा तो हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख लेना। तो हम पहले चारों पार्टियाँ हमने लगा ली हैं, अब सेंटर में हमने डबल पार्टी है जो डाल रखा है, इसको भी हम इसमें फिक्स कर देते हैं। तो इसको भी हम कीलियों की मदद से ठोक लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा ढांचा ठुक कर तैयार हो चुका है, और अब हम इसके पिंदे की जो बैक प्लाई होती है उसका नाप लेंगे। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो लगभग आ रही है 79 इंची, और चौड़ाई में आ रही है अपनी 37 इंची 5 सूत। तो हम इसी नाप की 2 12 mm प्लाई काट लेते हैं। जैसे कि हमने पहले चौड़ाई में काट लिया है, और हवा हाइट में काट लेते हैं। अब हम इस बॉर्डर पे फेविकोल लगा लेते हैं अच्छी तरीके से, और हमने कुछ इस तरीके से इस पे फेविकोल लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम 12 mm प्लाई को ठोकने वाले हैं, और 12 mm प्लाई को हम फिक्स करेंगे। तो 14 नंबर जो 1/4 इंच की कीली आती है उसमें हम इसको फिक्स कर रहे हैं। तो पहले दोनों कॉर्नर से बराबर करके और एक साइड ठोक लेंगे, उसके बाद जो लंबी धार आती है अपनी उस तरफ अपन इस कीलियों से इसको फिक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों प्लाइयाँ फिक्स कर दी हैं नीचे की तरफ से, और अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक 22-10 की चीप लगा रहे हैं, जो सागवान की लकड़ी होती है उसकी होती है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमारी की मदद से हटा देंगे, और चारों तरफ हम लगाने वाले हैं। और एक चीप हमने इसके सेंटर में भी लगाई है ताकि जो अपनी 12 mm प्लाई है अगर उस पर कोई वजन रखते हैं तो वो बेंड होने का चांस कम हो जाते हैं। तो इसको हम पंच कर देंगे ताकि जो अपनी नीचे मार्बल पे स्क्रैच नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक 18x15 इंची का क्रॉस पीस काट लेते हैं, जो अपनी साइड टेबल होती है पलिंग की, वहाँ पे अपना ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम इसको पकड़ के ऐसे 4 पीस काट लेते हैं। और अब हमने एक 4.5x2 इंची का पट्टा काट रखा है लेंथ में जो पलंग के साइज का, और अब हम इनको क्या करते हैं, हमने इस तरीके के 12 पट्टे काट रखे हैं, और इनको कीली की मदद से एक के ऊपर एक रख कर इनको फिक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर लिया है कच्ची कीली के अंदर, और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्लेंडर मशीन से इसको एक लेवल कर देते हैं।
जब तक इन पट्टों पर हम गलेंडर लगा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस पर अच्छी तरीके से गलेंडर लगा लेते हैं जो अपनी डिज़ाइन बनेगी, तो वापस इन पट्टों पर गलेंडर ना लगाना पड़े। तो अब हम क्या करते हैं, हमने 1.25 इंची का पीस काट रखा है और इसके अंदर जो ग्रिल का डिज़ाइन बना रहे हैं इसके अंदर हम 1.25 इंची जगह छोड़ने वाले हैं इस तरफ और उस तरफ, और ऊपर से हम गैप छोड़ने वाले हैं 1.5 इंची का। तो हमने क्या किया, कीलें अटका ली हैं और फेविकोल अच्छी तरीके से इस पर लगा दिया है, और वापस से हम ऊपर 1.5 इंची गैप छोड़ने के बाद इनको कीलियों से फिक्स कर देते हैं। तो हमने पहले दोनों छोड़े पर लगाई थी कीलें, अब हम नीचे की तरफ भी 1.5 इंची का गैप छोड़कर और इनको कीलियों से फिक्स कर देते हैं इस पट्टे को, और सेंटर में भी नाप चेक कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने डबल पट्टे में सामने की फ्रंट की जो डिज़ाइन है वो लगभग बन चुकी है, और अब हम क्या करते हैं इस बेड को हल्का सा घुमा लेते हैं और साइड का डिज़ाइन चालू करते हैं। तो हमने जो पट्टे काट रखे थे 15 इंची बाई 18 इंची और चौड़ाई रखी थी हमने इसकी 13 इंची, तो हम क्या करेंगे इसको भी 1.5 इंची पे निशान लगाकर और यहाँ पर 17 नंबर की लिए अटका लेते हैं, उससे टच करके इस पार्टियों को भी ठोक देते हैं। तो पहले फेविकॉल लगाएंगे अच्छी तरीके से, तो फेविकॉल लगा लिया है और अब हम यहाँ पे इसको टच करके और सारी की लिए ठोक देते हैं। देखिए इसको हम 1.5 इंची के कैंडे से हमने इसको चेक कर लिया है, और अब हम क्या करते हैं जो साइड के पट्टे हैं इसको यहाँ से इसके लेवल पकड़ के और इस पर निशान कर लेते हैं, और कटर मशीन से इसको क्रॉस काट लेंगे, और जैसे कि हमने इसके चारों पट्टे काट रखे हैं तो अब हम इनको भी ठोक देते हैं। तो ये ऊपर से हमने कैंडे से इसको फिक्स कर लिया है और कैंडे से टच करके इसकी सारी कीली भरा देते हैं, नीचे का भी इसी तरीके से ठोक देंगे, और ये एक लेवल हो चुका है अपना। तो कुछ इस तरीके से हमने तीनों साइड की डिज़ाइन कर रखी है जैसे कि आपको नज़र आ रही है, ये फ्रंट है अपना और ये वाली दूसरी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे इसकी जो टॉप है उसका नाप निकालेंगे, तो जो इसका टॉप आ रहा है 81 बाई 78 इंची, तो हम क्या करेंगे दो प्लाइयाँ हमने काट रखी हैं तो इनको हम नीचे की तरफ बिछा देंगे और इसके ऊपर फेविकॉल लगा कर 9 mm प्लाई इसके ऊपर से फिक्स कर देते हैं। तो नीचे की तरफ 12 mm और ऊपर से 9 mm, आप चाहो तो इसको 12 mm डबल भी ना बना सकते हो। तो हमने इसको अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा लिया है और इसके ऊपर से हम 9 mm प्लाई को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि हमने ऊपर का टॉप तैयार कर लिया है, और हमने क्या किया था इसको हल्का सा 2 सूत एक्स्ट्रा रखा था, तो जो नीचे का पट्टा आ रहा है उससे गुनिया लगाकर इसके निशान कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कटर मशीन की मदद से हटा देते हैं। तो कटर मशीन से इसको कट कर लेंगे, जैसे कि अपना एक्स्ट्रा पार्ट था वो कट हो चुका है। इस टॉप पे हमने फेविकॉल लगा लिया है और इसके ऊपर भी ऑफ वाइट माइका प्रेस कर देते हैं, तो हमने इसकी भी माइका काट रखी थी। तो इसके अंदर हम 17 नंबर कीली का ग्रुप रखने वाले हैं, तो इसमें हमने एक टुकड़ी बना ली है, इसके मदद से इसको जॉइंट के अंदर इन कीलियों को ठोक देंगे। और अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर हमने 3 इंची के 18 mm प्लाई के बटन काट रखे हैं, तो इसकी हम 3 इंची की बॉर्डर रखने वाले हैं, तो इसके नीचे से इसको निशान कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस पट्टी का उसको कटर मशीन से हटा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और इसके भी अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा कर और 14 नंबर 1.25 इंची कीली में इसको भी फिक्स कर देते हैं। दोस्तों जब तक हम कीलियाँ ठोक रहे हैं तब तक आप हमें कमेंट करके बताइए इस टॉप को उठाने के लिए हमें कितने किलो का पंप लेना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार हाइड्रोलिक बेड बना रहे हैं।
ठीक है, तो आप हमें कमेंट करिए। और कुछ इस तरीके से हमने इस तरफ भी बॉर्डर लगा लिए, और अब हम क्या करते हैं, सामने की तरफ वाला जो पट्टा है इसको भी कट कर लेते हैं निशान करके, और इसको भी सामने की तरफ ठोक देते हैं। तो यहाँ पे इसका भी हमने लगा लिया है, और इनके अंदर कीलियाँ भरा लेते हैं, और लगभग हमारा ये पलंग बनकर तैयार हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों हमारा लगभग बेड बनकर तैयार हो चुका है, और फाइनल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अपने सामने का फ्रंट आ गया, और ये सामने से कुछ इस तरीके से दिखता है। और दोस्तों इसका जो कॉर्नर का फ्रंट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। जैसे कि हमने यहाँ से चालू किया, वो वाला छेड़ा डाउन है तो ये इधर की तरफ बढ़ गया है, और वापस से ये इधर की तरफ नीचे गया है, और वापस से वहाँ से ऊपर की तरफ चालू हो गया है। तो कुछ इस तरीके से ये बेड हमने बनाया है। 6 इंची का गैप छोड़ रखा है, इसके अंदर CNC ग्रिल कटवाएंगे और उसके अंदर लगाएंगे लाइट। तो आप हमें कमेंट करके बताइए ये फाइनल होने के बाद बेड कैसा दिखेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।